फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स आज हमें मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर मेगा स्पोर डेवलप होते हैं। अब मेगा स्पोर डेवलप हो रहे हैं या फिर फॉर्म हो रहे हैं तो उसी को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। फिर हम सीधा बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर दैट इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो उसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पर चलती है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अब देखो सीधा हम फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर का वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर हमें थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखते हैं बेटा। फ्लावर के अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो टॉप मोस्ट पार्ट है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, जिसे हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं, ये स्टिग्मा बन गया, ये स्टाइल बन गई, और उसके बाद ओवरी। तो इसी तरह से तीनों पार्ट से हमें गाइनोशियम का स्ट्रक्चर या फिर कार्पेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसी कार्पेल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें इस तरह से इनवर्टेड ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो इसी ओव्यूल का इम्पोर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बताता है। यहाँ पर हमें ओव्यूल के साथ एक और स्ट्रक्चर जो हम ओवरी से रिलेटेड निकाल रहे हैं, जिसे हम थैलेमस कहेंगे। क्या कहेंगे? थैलेमस, यानी कि थैलेमस के ऊपर ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हम दिखाते हैं। तो अभी क्या करना है हमें, हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर सीधा बाहर निकालना है। हमने यहाँ पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर निकाला है, जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये फर्स्ट बन गया, ये सेकेंड बन गया, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट, इसी तरह से हमने पार्ट यहाँ पर निकाले हैं। और इधर का पार्ट जो है स्टाक का, यहाँ पर हिलम वगैरह होता है। तो इस तरह से ये होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसी एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर हमें बहुत सारे न्यूसेलार सेल दिखाई देते हैं। अभी जितने भी न्यूसेलार सेल है उन सभी सेल को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और इन्हीं सेल की वजह से हमें फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करना है बेटा। फीमेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से डेवलप होते हैं वो हमें डिटेल में देखना है। अब इतने सारे सेल हैं, इन सभी सेल को हम न्यूसेलार सेल कहेंगे, ये न्यूसेलार सेल्स बनते हैं। न्यूसेलार सेल्स के अंदर एक सेल जो होती है जो यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, उसी सेल की वजह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है जो एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को लेकर हमें मेगा स्पोरोजेनेसिस बताना है। तो इस सेल को हम बाहर निकालेंगे, इसी सेल को हम मेगा स्पोर मदर सेल बताएंगे। तो ये बनती है मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम उसे MMC लिखेंगे। इसी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है वो डिप्लॉइड नेचर का है बेटा, ये हमें याद रखना है। यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल जो मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो उसी सेल का जो नेचर है वो डिप्लॉइड है, ये बात हम याद रखेंगे। सबसे फर्स्ट सेल के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट वाला चेंज होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस। बेटा कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर मियोसिस होता है सबसे फर्स्ट, और मियोसिस से हमें मिलते हैं फोर सेल्स जो लीनियर होते हैं, उसे हम लीनियर टेट्राड बताएंगे। तो देखो उसका स्ट्रक्चर निकालते हैं, यहाँ पर मिल गई फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो ये लीनियर टेट्राड बन गया बेटा, क्या बन गया? लीनियर टेट्राड। अब ये लीनियर टेट्राड बन गया है तो इसे थोड़ा डार्क बनाएंगे, डार्क बनाने के बाद हमें और भी मज़ा आने वाला है, डायग्राम बहुत अच्छी दिखने वाली है। देखो लीनियर टेट्राड हमने यहाँ पर निकाला, इसे लेबल करेंगे लीनियर टेट्राड, ठीक है। यहाँ पर लीनियर टेट्राड जो है, इसी लीनियर टेट्राड के बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो ये पूरे सेल का स्ट्रक्चर हैप्लॉइड नेचर का होता है, यानी कि ये हैप्लॉइड सेल से, यहाँ पर हम सिंगल यानी इसी को लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाली हैप्लॉइड बन गई, सेकंड बन गई, थर्ड बन गई, फोर्थ बन गई। अब इन सेल को हम लेबल करेंगे, लेबल करना है तो हमें यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर के साथ देखना होगा उन्हीं सेल को। जो नीचे वाला पार्ट है ये माइक्रोपाइल पार्ट होता है, और ये चलाइजल एंड होता है। तो जो टॉप मोस्ट सेल दिखाई दे रही है वो चलाइजल सेल है, तो ऊपर के तीनों सेल को हम चलाइजल सेल बता सकते हैं बेटा, चलाइजल सेल बता सकते हैं। और जो नीचे वाली बेसल सेल है, इसे हम लेबल करेंगे, बेसल सेल बताएंगे इसे,
तो जो बेसल सेल है वो माइक्रोपाइलर है, माइक्रोपाइलर सेल। तो इसी तरह से हमें दो टाइप्स के सेल्स जो मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हम उसे लेबल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ने के बाद देखो जो ऊपर वाले तीनों सेल्स है उन तीनों सेल के अंदर हमें डीजनरेसी दिखाई देती है, यानी कि ऊपर के तीनों सेल डीजनरेट होते हैं और जो बेसल सेल है वो फंक्शनल बनती है। तो ये फंक्शनल बनेगी तो आगे चलकर इसी का ही वर्क बढ़ते जाएगा, जो ऊपर के तीनों है वो टोटली डीजनरेट हो जाएगी। अभी तीनों डीजनरेट हो गए, जो लास्ट बन गई उसी का डिवीजन दिखाई देता है, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस यहाँ पर होती है उसके अंदर फिर से। तो यहाँ पर माइटोसिस होता है, क्या होता है माइटोसिस, सीधा सीधा यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए तो इसका मतलब माइटोसिस फर्स्ट हो गया बेटा, ये माइटोसिस फर्स्ट बन गया। उसके बाद इसी के अंदर फिर से चेंज दिखाई देते हैं जो माइटोसिस सेकेंड बताते हैं, क्या बताते हैं माइटोसिस सेकेंड, सेकेंड के अंदर हमें दिखाई देते हैं फोर न्यूक्लियस, कितने बन गए फोर न्यूक्लियस। उसके बाद और एक माइटोसिस दिखाई देता है जो इस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे, जो सेल है उसी के अंदर हमें एट न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। अब इतने सारे न्यूक्लियस वहाँ पर बन गए, यानी कि एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया, इसे हमें याद रखना है। तो ये जो बनता है ये माइटोसिस थर्ड की वजह से बनता है, माइटोसिस थर्ड, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। उसके बाद हमें आगे का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टेड पार्ट है। देखो इसी एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की वजह से हमें मिलने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब इन्हीं न्यूक्लियस को हम शिफ्टिंग बताएंगे, अरेंजमेंट बताएंगे, तो इन न्यूक्लियस की शिफ्टिंग होती है और जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है बेटा। तो ये एक बड़ी लार्ज सेल है, इसी के अंदर हमें जो कैरियोकाइनेसिस पूरा खत्म हुआ था उसके बाद थोड़ा साइटोकाइनेसिस चालू होते हुए नजर आता है। तो ये जो सेल है इनमें से जो थ्री सेल्स दिखाई दे रहे हैं उसे हम यहाँ निकालेंगे, ये फर्स्ट न्यूक्लियस बन गया, ये सेकेंड न्यूक्लियस बन गया, ये थर्ड न्यूक्लियस बन गया, ये फोर्थ न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ न्यूक्लियस, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसी तरह से एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है, इनमें से जो थ्री न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियस क्या होते हैं ऊपर के साइड को शिफ्ट होते हैं, यानी कि चलाइजल एंड को शिफ्ट होते हैं, और इनमें से जो थ्री है वो क्या होते हैं माइक्रोपाइलर एंड को शिफ्ट होते हैं। तो इसी तरह से शिफ्टिंग चलती है और शिफ्टिंग मिलने के बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है कुछ इस तरह से मिलता है। ये बनता है हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेल है, ऊपर के थ्री न्यूक्लियस इस तरह से एडजस्ट हो गए, खुद की साइटोप्लाज्म के साथ सेल वॉल डेवलप कर ली और खुद की सेल की आइडेंटिटी वो बनाते हैं। तो थ्री सेल्स ऊपर दिखाई दे रहे। उसके बाद सेंट्रली जो थे पोलर न्यूक्लियस वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहे, उनकी अलग से आइडेंटिटी दिखाई देती है, और जो नीचे वाले थ्री न्यूक्लियस है उनमें से एक बड़ा न्यूक्लियस बड़ी सेल बनाता है जिसे हम एग सेल कहेंगे, हम थोड़ा इधर लेबल करते हैं, साइड में दो सिनर्जिड्स दिखाई देते हैं। इस तरह से शिफ्टिंग होती है। अब इन्हें लेबल करेंगे, ये बनता है एग सेल, उसके बाद ये दोनों सिनर्जिड्स बनेंगे बेटा, सिनर्जिड्स बनेंगे, बन गए। अब इन दोनों को मिला के हम एक एपरेटस बताते हैं, एक एपरेटस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर वहां पर हमें मिलता है। जो सेंट्रल है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया और जो ऊपर के तीनों है इसे हम एंटीपोडल्स कहेंगे, क्या कहेंगे एंटीपोडल्स। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलता है। इन स्ट्रक्चर के अंदर हमें थ्री टाइप्स के सेल दिखाई देते हैं, एक एंटीपोडल्स, दूसरे एग एपरेटस, तीसरे हमें न्यूक्लियर सेल्स यानी कि न्यूक्लिएट, सेकेंडरी न्यूक्लियर सेल्स, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल गया। अब इसी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे तो हमें इसी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसके अंदर सेल काउंट करेंगे, देखो ये फर्स्ट वाली सेल बन गई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेल बन गया, यहाँ पर फोर्थ वन फिफ्थ वन और अंदर वाली एक सिक्स, तो इसी तरह से सिक्स सेल्स, और ये पूरी बड़ी वाली एक सेल में यानी कि सेवन सेल्स दिखाई देते हैं। कितने सेल्स दिखाई देते हैं इसी के अंदर सेवन सेल्स। अब न्यूक्लियस काउंट करेंगे हम, न्यूक्लियस देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, यानी कि एट न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं,
न्यूक्लियस कितने? एट है। अब सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड हमें स्ट्रक्चर मिला है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड जो एम्ब्रियो सैक हमें मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे पॉलीगोनम, पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, पॉलीगोनम टाइप वहाँ पर हमें वहाँ क्या मिलता है? एम्ब्रियो सैक मिलता है। अब इसे हम लेबल सीधा सीधा करते हैं, एम्ब्रियो सैक। बेटा ये एम्ब्रियो सैक है तो इसी के अंदर हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी दिखाई देती है और उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रिपल फ्यूजन भी दिखाई देता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये पॉलीगोनम टाइप होता है तो इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो ये फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर डेवलप हो गया, लेकिन ये वो डेवलप कहाँ से हो गया? ओनली वन सेल से, इसी MMC सेल से वो डेवलप होता है। ये वन सेल से डेवलप हो रहा है, जो सेल डिप्लॉयड थी जिसे हम MMC कह रहे थे, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, जिसे के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को देखा है। ठीक है, इसे हम और भी लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा पॉइंट भी बनाते हैं और में, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आ गया समझ में? अब फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इसे थोड़ा। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एनाट्रोपस ओवल लिया, ओवल का जो न्यूसेरल सेल है जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे, जो डिप्लॉइड थी बेटा, तो इसी सेल के अंदर मियोसिस होकर हमें टेट्रायड मिल गया, जो टेट्रायड लीनियर था जिसी के अंदर हमें हैप्लॉइड सेल्स दिखाई दे रहे थे। इसी हैप्लॉइड सेल्स में से थ्री जो थे वो डिजेनरेट हो गए, लास्ट वन फंक्शनल रह गई। उसी फंक्शनल सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्ब्रियो सैक बनाने की। ठीक है, तो ये फंक्शनल सेल माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकेंड, माइटोसिस थर्ड बताती है और हमें फाइनली एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ न्यूक्लियस हमें वहाँ पर मिलते हैं, यानी कि एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलता है। अभी उसी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग हमने देखी, तो शिफ्टिंग में हमें थ्री सेल्स बनते हैं थ्री न्यूक्लियस के साथ, दो पोलार न्यूक्लिया के साथ दिखाई देते हैं, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस, लास्ट वन एक एग न्यूक्लिया एक सेल बनाता है, दो न्यूक्लिया अदर बच्चे वाले सिनर्जीज बनाते हैं। तो इस तरह से थ्री टाइप्स के सेल्स हमें इसी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर से मिलते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखाई देता है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियर सेल्स और एग एपरेटस सेल्स वहाँ पर में दिखाई देते। तो इसी तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड होता है, इसलिए हम उसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहेंगे और इसी एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट ओनली वन मेगास्पोर मदर सेल से हो रही है, इसलिए हम उसे मोनोस्पोरिक भी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल गया।